รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณใน Hi guys welcome back to my channel it's me Deepshika और आज हम बताने हैं आज मैं बोलने वाली हूँ my favorite top 5 BL dramas के बारे में तो जिन लोगों को पता नहीं है BL क्या होता है BL का मतलब होता है boys love okay तो आज मैं इसके बारे में इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली ये सब देखना शुरू किया है और मैं ऑब्सेस हो चुकी हूँ तो मैंने सोचा लोगों को भी बता दूँ कि ये जगह कितना अच्छा है ये ड्रामास कितने अच्छे होते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा थान टाइप थान टाइप में आपको रोमांस यूथ एज वेल एज जेलसी मीन्स टू लवर्स एंड ड्रामा देखने को मिलेगा और इसका रिलीज हुआ था ये अक्टूबर 7, 2019 में और इसमें 12 एपिसोड्स है और इसका ड्यूरेशन है 55 मिनट पर एपिसोड तो इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक लड़का होता है जो गे होता है पहले से ही जो इसका नाम होता है थान पर जो टाइप होता है वो ही इज स्ट्रेट और उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है गेज को लेकर क्योंकि वो मॉलेस्ट हुआ था बचपन में एक गेज है तो वो गे हेट करता है पहले वो एनिमीज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ही वॉज गे और जाके उन दोनों को इवेंचुअली प्यार हो जाता है एक दूसरे से और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रामा है जो नेक्स्ट है पार्ट है वो है थान टाइप 7 years ऑफ लव उसमें उन लोग का 7 साल का प्यार दिखाया जाता है 7 साल रिलेशनशिप हो जाता है उसमें दिस इज अ ग्रेट ड्रामा यू शुड वॉच इट सो सेकेंड जो ड्रामा है बीएल में वो है टुगेदर तो यहाँ से ही मैंने शुरुआत किया था अपना बीएल देखना मैंने टुगेदर से ही देखना शुरू किया है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है देखे हुए क्योंकि ये रिलीज हुआ था फरवरी के 2020 में इसमें आपको रोमांटिक कॉमेडी म्यूजिक रोमांस और ड्रामा देखने को मिलेगा इसका एपिसोड है 13 episodes और पर एपिसोड 50 minutes का ड्यूरेशन है तो इसमें सीजन 2 भी है इसका सीजन 2 है स्टिल टुगेदर इवन अभी रिलीज हुआ रिसेंटली उन लोगों का मूवी भी निकल गया है टुगेदर द मूवी तो ये बहुत अच्छा सा क्यूट लव स्टोरी होता है सरावत और टाइम का टाइम के पीछे ग्रीन नाम का एक लड़का पड़ता है जो बोलता है कि मैं उससे प्यार तुमसे प्यार करता हूँ और उसको हटाने के लिए इवेंचुअली वो लाइक ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है कि वो अब सरावत से लाइक हेल्प मांगता है कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनो जिससे मैं ये ग्रीन को हटा सकूं अपनी लाइफ से और वही फेक डेटिंग के हिसाब से जो होता है फेक डेटिंग करते करते वो लोग कब रियल डेटिंग कब रियल में प्यार करने लगते हैं उसको पता नहीं चलता और एक ट्विस्ट है बीच में जो आप लोगों को बाद में पता चलेगा वो फर्स्ट देखने पर आपको सही में मजा आएगा जो थर्ड ड्रामा है वो है ओह माय गॉड दिस इज माय फेवरेट ड्रामा आई टोल्ड सनसेट अबाउट यू ये मैंने पहले में इसने नहीं रखा जबकि ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है इसको मैंने फिर भी फर्स्ट में नहीं दिया इसलिए क्योंकि अगर आप न्यू हो बीएल वर्ल्ड में तो यू शुड नो कि बीएल वर्ल्ड क्या है ये ड्रामास कैसे है तो उन लोग के बारे में थोड़ा जानने के लिए मैंने इसलिए आपको पहले दो ड्रामास के बारे में बताया थान टाइप एंड टुगेदर आप न्यू नहीं है इस वर्ल्ड में आपको बीएल पसंद है पहले से ही आप देखते हैं तो आप फर्स्ट में आई टोल्ड सनसेट अबाउट यू देखिए उसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है अगेन वो इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है रिसेंटली उन्होंने और यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको कि एक छोटे से वो दो दोस्त बड़े होते हैं एक सपना लेके फिर एक दोस्त का सपना और एक दोस्त जी लेता है गलती से उन मतलब स्विच हो जाता है बीच में उन लोग के बीच में हेटेड आ जाता है और वो लोग की दोस्ती टूट जाती है और वो लोग बहुत दिन के लिए अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से तो डेस्टिनी वो लोग वापस मिलते हैं उन दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है वो लोग रिग्रेट करते हैं कि वो लोग ने बेकार में क्यों ये किया बॉय और टे एक दूसरे के लिए फील करते हैं पर वो दोनों एडमिट नहीं करना चाहते दोनों जब अपने लाइफ में बढ़ रहे होते हैं वो दोनों जेलस होने लगते हैं दोनों समझने लगते हैं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर ये बहुत अच्छा और बहुत ग्रेट ड्रामा है इवन इसका पार्ट टू भी है सीजन टू वो है आई प्रोमिस्ड यू द मून इसमें सीजन टू में इन लोग का प्यार हो गया है अभी ये लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाते हैं बट प्रॉब्लम तब से शुरू होता है जब ओयो अपना प्रोफेशन चेंज करने का सोचते हैं क्योंकि वो दोनों ने सोचा था वो लोग एक्टिंग को ही परस्यू करेंगे अति का सपना था हमेशा से एक्टिंग में आना बट ओयो समझ उसको लगता है कि वो शायद एक्टिंग के लिए नहीं बना है उससे उन लोगों में थोड़ी दूरियाँ आने लगती है जैसे ते चीट करता है ओयो पे वहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा आया था रियली बट
होता है ना, उसको रियलाइज होता है उसने कितना गलती किया है, फिर वो दोनों का ब्रेकअप होता है ना, और वापस मिलना एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी 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 ग्रेट लव स्टोरी. तो फोर्थ वन इज अंटिल वी मीट अगेन. सो इसमें आपको फूड, रोमांस, योर ड्रामा और रीबर्थ मतलब को मिलेगा, पुनर्जन्म. सो अब तो नवम्बर 9, 2019 में, और इसमें 17 एपिसोड है और इसका ड्यूरेशन है 45 मिनट पर एपिसोड. तो इसमें चार लड़के होते हैं, इवन चार लड़के नहीं एक्चुअली, और भी और एक साइड लीड भी होते हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए थे इस ड्रामा के बाद, पर एट मेन जो होते हैं वो फोर लड़के होते हैं. इसमें होते हैं फर्स्ट दिखाया जाता है 30 साल पहले कॉर्न एंड इंटर्क, इंटर्च या इंटर्क अगर मैं प्रोनाउंस किया तो मैंने सॉरी फॉर दैट, बट इंटर्च एंड कॉर्न ये दो लड़के होते हैं. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उस टाइम होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल नहीं था, वो लोग को पसंद नहीं किया जाता, उनके पेरेंट्स उन लोग को अलग करने की कोशिश करते हैं. उसी के बीच में कॉर्न अब गन से अपने आप वो सुसाइड करता है उसमें, और वो देखकर वो और ट्रॉमेटाइज होकर इंटर्च भी वही गन से खुद पे गोली चलाता है, वो भी सुसाइड कर लेता है. पर उनका जो वो रिश्ता था अधूरा रह गया. साल बाद तब पैदा होते हैं फार्म और डीन. डीन होता है कॉर्न का रिबर्थ वाला फेस पुनर्जन्म, और इंटर्च का होता है फार्म. फार्म ओके. तो दूसरे को देखते हैं, फार्म की आंख से आंसू निकल जाता है, पर वो समझ नहीं पाता कि उसके आंख से आंसू क्यों निकला, और डीन को भी थोड़ा लाइक वियर्ड फीलिंग आता है, लाइक व्हाट हैपेंड, मतलब ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, जबकि उन लोग को पता नहीं है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है. तो धीरे धीरे वो लोग रियलाइज करते हैं कि उन दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि उन लोग को पुरानी यादें आने लगती है धीरे धीरे याद, और उसकी वजह से उन दोनों का इस जन्म में हैप्पी एंडिंग होता है. सो दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट लव स्टोरी और बहुत अच्छा. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइव में बोलना चाहूंगी लव बाय चांस. सो लव बाय चांस में आपको देखने को मिलेगा रोमांस, स्कूल लाइफ, यूथ, मल्टी कपल्स. इसमें बहुत सारे कपल्स है, मेनली तो है ही, बट फिर भी मल्टी कपल्स है, बहुत सारे कपल्स. तो इसका रिलीज हुआ था 1 अगस्त 2018 में, और इसमें 14 एपिसोड है और इसका ड्यूरेशन है 50 मिनट पर एपिसोड. तो इसमें सीजन टू भी है लव बाय चांस टू चांस टू लव, ये है उन लोग का सीजन टू. सीजन वन में उन लोग का दिखाया जाता है पीत और ए दो लड़के होते हैं. ए बहुत काइंड हार्टेड, जेंटल, सबको इक्वली ट्रीट करने वाला जैसा बंदा होता है. अब पीत होता है रिच, हैंडसम एज वेल एज गुड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. हाँ वो बहुत, और इवन ही वॉज लिटिल शाई टू, बिकॉज वो गे होता है, तो उसको होता है सब लोग ऑब्वियसली सब लोग टीज वीज करते हैं, आप लोग को पता है समाज एक्सेप्ट नहीं करता इतना जल्दी कि हस्बैंड इन लोग को, मुझे समझ भी नहीं आता क्यों नहीं करते भाई, उनका मर्जी वो किसी से भी प्यार करे जो भी हो. इन दोनों में धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाता है, पर धीरे धीरे ए और पीत एक दूसरे के लिए फीलिंग शुरू फील करते हैं, पर ए को थोड़ा वियर्ड लगता है. पीत के लिए नॉर्मल होता है, पर ए को थोड़ा वियर्ड लगता है कि उसने कभी कोई लड़के से लड़के को पसंद नहीं किया था, तो उसके लिए थोड़ा ये वियर्ड फीलिंग होता है. तो वो सोच रहा था कि ये क्या बस लाइक सिंपैथी है उसकी तरफ, क्योंकि उसको कभी कभी बहुत कोई कोई बुली भी करता था, कि जस्ट नॉर्मल सिंपैथी है या फ्रेंडशिप है या सही में प्यार है, पर प्यार ही होता है ऑब्वियसली. और पीत पहले पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था उसको, क्योंकि वो सोचा था कि वो शायद ये सिंपैथी में आके कर रहा है और बाद में जाके वो रिग्रेट करेगा उसको एक लड़के को डेट करना, तो वो पहले अपना हाइड करते हैं. पर होता है हाइड नहीं कर पा रहा होता, चाहे कितना भी ट्राई कर लो तुम अपना फीलिंग्स हाइड नहीं कर सकते. तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और अच्छा चलता है इन लोगों का. पर सीजन टू में दिखाया गया है, आई डोंट नो क्या हुआ था, मैंने एक न्यूज़ सुना था कि पीत और ए का मैनेजर या पीत और ए में कुछ रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने सीजन टू में ए है पीत नहीं है. आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, बट मैंने जो देखा है वो फेक भी हो सकता है वो मैंने, बट सीजन टू में ए है पीत नहीं है, और मल्टी जो कपल्स थे दूसरे कपल्स थे जो सीजन वन में, उन लोग को ही लेके इसमें हाईलाइटेड है सीजन टू. और फिर दिखाया जाता है ए पीत का वेट कर रहा है, उन लोग का समथिंग ब्रेकअप और समथिंग हो गया है, और हमेशा रोता रहता है उसका, ए वेट कर रहा होता है. पर लास्ट सीन में एक सीन है जहाँ पर दिखाया जाता है अराइवल ऑफ पीत, ऐसा टाइप का एक सीन जैसा बनाया जाता है, उसका बैग दिखाया जाता है पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता. तो ये सब लोग अभी होप करें कि सीजन थ्री में शायद पीत और ए मिल जाए. तो अभी तक तो सीजन थ्री आया नहीं है, तो अभी तक सीजन टू है, और दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट लव स्टोरी ऑल्सो.
मुझे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों को बीएल्स पसंद आए. और रियली इट्स अ रियली रियली ग्रेट प्लेस. और मैं ऐसे तो के ड्रामा वॉचर हूँ ही, अभी बीएल ड्रामा वॉचर भी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा. मैं ऑब्सेस हो चुकी हूँ अभी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.